नमस्कार, आप लोग आसना देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हेरोइन तस्करी केस के मामले में एनसीबी की टीम अब मामले में जांच करेगी और दिल्ली से एनसीबी की टीम दरअसल बीकानेर पहुंची है। एनसीबी अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह बीएसएफ हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, पंजाब से जुड़े हैं। हेरोइन तस्करी के तार, हेरोइन की पूरी सप्लाई चेन की जांच करेगी एनसीबी। बॉर्डर के पास बैठे तस्करों पर भी एक्शन लेगी एनसीबी। इंटरपोल की इसमें मदद ली जाएगी और कहा यह जा रहा है कि 3 जून को बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से जिस तरह से हेरोइन पकड़ी गई, तस्कर पकड़े गए, पाकिस्तान से भारत लाई गई थी 56 किलो हेरोइन की एक बड़ी खेप, बीएसएफ के जवानों को देखकर ये तस्कर भाग गए थे। लेकिन कल ही 2 संदिग्ध जब पकड़ में आए, पुलिस बीएसएफ ने इन्हें पकड़ के इनसे पूछताछ की, तमाम बातें कहीं ना कहीं खुलने लगी हैं। मीडिया संवाददाता रौनक व्यास हमारे साथ इस वक्त बीकानेर से मौजूद हैं। जाहिर है कल लगातार रौनक वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, जो चाहे बीएसएफ के डीआईजी हों, चाहे वहां पर एसपी प्रीति चंद्रा रही हों, तमाम पुलिस ऑफिशियल्स की मौजूदगी में इंटरोगेट किया जा रहा था। आज क्या स्थितियां हैं, चूंकि एनसीबी अब रौनक इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा हुआ यह मामला है, तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में अब जांच है, तो क्या कुछ उनको लीड मिल रही है? जो लोग कल पकड़े गए, इंटरोगेशन में क्या क्या बातें निकल कर आई हैं, किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी रौनक? जी बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर हेरोइन तस्कर का मामला जो सामने आया, उसके बाद लगातार आप देखिए बीएसएफ अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, आईबी अलर्ट है, साथ साथ आप देखिए अब एनसीबी की टीम जो है वो बीकानेर पहुंची है दिल्ली से। साफ तौर पर देखिए एक नजारा दिखा दूं, सबसे पहले यहां पर मीटिंग चल रही है, आप देखिए कि जिस तरह से ज्ञानेश्वर सिंह खासतौर पर डिप्टी जनरल जो है वो यहां पर पहुंचे और कहा जा रहा है कि जिस तरह की परिस्थितियां हुई है, जिस तरह का मामला हुआ है, अपने आप में ऐतिहासिक तौर पर बड़ा मामला बताया जा रहा है, बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है जिस तरह से कार्रवाई बीएसएफ ने यहां पर की है। लेकिन खुद अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, मैं जानकारी लेता हूं। सबसे पहले सर, बड़ा मामला आप कह रहे हैं कि इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा मामला है, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अब आप किस तरह से यहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल करेंगे मामले की? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना जी के नेतृत्व में बीएसएफ और एनसीबी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और हम लोग प्रोएक्टिव होकर इन नशे के गिरोहों का भंडाफोड़ करने में कोशिश कर रहे हैं। ये हम दोनों की साझा कार्रवाई का नतीजा है। बीएसएफ ने काफ़ी दिनों से इस गिरोह के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी और अब ये खेप पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद इन्होंने एनसीबी को केस हैंडओवर किया है। हम लोग इसके पूरे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस ढूंढ के पूरे गिरोह को बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का इंटरोगेशन हुआ है, जिस तरह की बात सामने आई, आप देखिए कि पाकिस्तान रेंजर्स की बात आ रही है सामने, पत्थर फेंका गया, 2 घंटे तक जो तस्कर है वो बॉर्डर पर बैठे रहे, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये जो केस है, इस तरह के अन्य केसेस भी हुए हैं, इसमें बॉर्डर पार बैठे स्मगलर्स ड्रग्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, और इसमें इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं, इंटरस्टेट लिंकेजेस भी हैं, इसमें पंजाब के गिरोह का भी मामला दिख रहा है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि एनसीबी एक एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल और इंटरस्टेट मामलों को बहुत गहनता से छानबीन कर सकती है। हम लोग इस निश एरिया को बहुत फोकस्ड रूप में इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी लिंकेजेस हैं उसको सामने लाएंगे, कोई भी अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। गोल्डन ट्रायंगल की बात आप कर रहे थे, अफगानिस्तान को सबसे बड़ा केंद्र बताया, वो क्या पूरा मसला है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर भारत के बाजारों से होते हुए देश के कई कोनों में और इंटरनेशनल लेवल्स तक इस तरह के जो मादक पदार्थ पहुँचते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? अफगानिस्तान विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हेरोइन का। इनफैक्ट 2017-18 में वहाँ एक बहुत बड़ी खेप प्रोड्यूस हुई थी जो अभी तक चल रही है, और इस ड्रग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में पुश किया जाता है और इंडिया के थ्रू बाकी वर्ल्ड मार्केट में जाता है। इसके मद्देनज़र ये जो इंडो पाक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है।
तो यहाँ से कई सारे मामले निकल के आते हैं। पंजाब फ्रंटियर पे भी पिछले साल 350-300 किलो ड्रग पुश किया गया था जो हमने पकड़ा, और शायद कुछ निकल भी गया होगा जो हम नहीं पकड़ पाए, देश के विभिन्न हिस्सों में पकड़े जाते हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये बॉर्डर हमारे लिए, और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का रोल बहुत अहम हो जाता है इसमें, और एनसीबी और बीएसएफ इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर बिल्कुल साझा कार्यक्रम के तहत कार्रवाई कर रही है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। नॉर्थ रीजन आप देखते हैं, बात जम्मू कश्मीर की भी की आपने, पंजाब की, अधिकांशतः मामले उन इलाकों से आते हैं, लेकिन राजस्थान को इस बार चुना गया, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये पीछे जो दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई और हम लोगों ने जो एनालाइज किया, उसमें कुछ इस तरह के फैक्ट सामने आ रहे हैं कि पंजाब में बीएसएफ का दबाव बढ़ने के कारण ये लोग कुछ और रूट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रग्स को। मैरीटाइम रूट को भी इन्होंने, पीछे आपने देखा होगा 300 किलो की एक खेप पकड़ी गई थी श्रीलंका जो जा रही थी, तो मैरीटाइम रूट को भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर को इन्होंने इस्तेमाल किया जहाँ पे 512 किलो की खेप पकड़ी गई। तो ये लोग विभिन्न रास्ते अपनाते हैं, कहीं सख्ती हो जाती है तो दूसरी जगह से कोशिश करते हैं। तो लेकिन मुझे खुशी है कि बीएसएफ उतनी ही चौकन्नी यहाँ भी है और उन्होंने उनके इरादों को विफल किया है। लेकिन सर एक बात आपने कही कि बॉर्डर पार से जो नापाक इरादे हैं पड़ोसियों के, पड़ोसी मुल्क के, उसको पर बख्शा नहीं जाएगा, आपने कहा एक्शन होगा उनके खिलाफ, किस तरह से देख रहे हैं उस पूरे? जो बॉर्डर पार के लोग हैं, जिन देशों से हमारी ट्रीटी है, एमलैट है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू, और इंटरनेशनल फोरम में हम लोग इन अपराधियों के बारे में सूचना देते हैं, इंटरपोल की मदद से उन पर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो जो देश के अंदर अपराधी हैं उनको तो हम यहाँ कानून के तहत कोर्ट के हवाले करेंगे, और जो बाहर बैठे अपराधी हैं उनमें इंटरपोल और अन्य संस्थाओं की मदद से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब आज ग्राउंड जीरो पर जाएंगे जहाँ घटनाक्रम हुआ है, एसपी आईजी से भी मिलने का कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा तैयार की है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात? इस इन्वेस्टिगेशन में जैसा मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं, पंजाब के लिंकेजेस भी हैं, तो एनसीबी ने पंजाब की टीम को एक्टिवेट कर दिया है, ऑपरेशंस ब्रांच हमारी इस पर लगातार निगाह बनाए हुए है। आज ऑप्स की टीम के कुछ मेंबर्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको मैं लेकर आया हूं, और इसमें हम टेक्निकल और ह्यूमन इंट दोनों पे काम करेंगे। आज की मेरी डीआईजी साहब के साथ मीटिंग है, इनके ऑफिसरों के साथ भी मीटिंग करूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी उस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। इसमें पुलिस के साथ, बीएसएफ के साथ और अन्य सारी एजेंसीज के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आशीष, लगातार मीटिंग्स जारी है, कहीं ना कहीं देखिए पूरा इंटरनेशनल रैकेट है उस पर फोकस किया जा रहा है, उस पर पूरी तरह से वार करने की बात जो है भारत सरकार, देश की जो सुरक्षा एजेंसियां वो काम कर रही है। डीआईजी बीएसएफ मेरे साथ है, बात करता हूं। सर जिस तरह से एक्शन हुआ है, एक एक पड़ताल की जा रही है, एक एक पन्नों को खोला जा रहा है, आखिरी छोर पर कौन है जो सप्लाई कर रहे हैं उन तक पहुंचने की बात की जा रही है, किस नज़रिए से देख रहे हैं पूरे बीएसएफ ने जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाया है? देखिए अभी जैसा कि आपने डीडीजी ने बताया, ये दिल्ली से आए हैं और डीजी बीएसएफ श्री राकेश अस्थाना, इनके भी चीफ है, हमारे भी चीफ है, इतनी बढ़िया कोऑर्डिनेशन और ये चल रहा है हमारे साथ, तो आई एम श्योर इसके ऊपर जो है कोई ना कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्ल्यू मिलेगा इसके ऊपर, और जैसा आपने बताया ये पूरा रैकेट जो है इसको बस्ट कर दिया जाएगा, और ये बड़ा अचीवमेंट है बीएसएफ का, और एनसीबी हमारे साथ खड़ी है, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एंड वेरी हैप्पी ऑन दिस। ग्राउंड जीरो पे जाने की बात है अभी? यस, अभी आप वहाँ जाएंगे, और हमारे अभी फ्रंटियर से आईजी साहब भी आने वाले हैं, पंकज गुमर सर, वो भी पहुंचेंगे, आप अभी मौके पे जाएंगे और इनकी टीम ऑलरेडी वहां। रौनक, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, बीएसएफ के ऑफिशियल आपके साथ में चलेगी और आपके जरिए ही, सवाल ये है कि इस बार तो 56 किलो की खेप पकड़ी गई, क्या ये ऐसा पहला मामला है कि जब इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई हो, बॉर्डर एरियाज में खत्म, या इससे पहले भी इससे ज्यादा की खेप पकड़ी गई हो, हेरोइन की या तस्करी की? रौनक जी बिल्कुल, मैं आशीष में सवाल ले लेता हूँ, स्टूडियो से ये सवाल आ रहा है कि 56 किलो की जो खेप पकड़ी गई है, क्या इससे पहले भी इतनी खेप पकड़ी गई है या पहली बार राजस्थान के इतिहास में? देखिए मेरी तकरीबन 33 साल नौकरी हो गई है और बीएसएफ में, राजस्थान में भी मैं पहले रहा हूँ 20-22 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई खेप राजस्थान फ्रंटियर में और राजस्थान गुजरात फ्रंटियर में कभी ऐसी खेप पकड़ी गई हो। और अभी आपने भी बताया कि पूरे एक साल में पंजाब फ्रंटियर में तकरीबन 270 जो है किलो की जो है 270 करोड़ की
पूरे साल का उनका जो है सीजर है, बट ये एक ही सीजर में हमने 270 करोड़ से ऊपर का माल पकड़ा है। ये बहुत बड़े अपने आप में अचीवमेंट है और इम्पोर्टेंट इवेंट है और इट्स अ हिस्ट्री हमारे फ्रंटियर की कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ किया। इतनी बड़ी कार्रवाई आपने की है, एक सवाल मैं आखिरी ले लेता हूँ आपसे, बॉर्डर के उस पार कैसी हलचल है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? तो देखिए उसके ऊपर तो अब जब BSF जब एक्शन में आएगी और बॉर्डर पे जाएगी, प्रोटेस्ट नोट लॉन्च करेगी, रेंजर्स से मुलाकात करेगी, साहब ये कैसे हुआ, इन चीज़ों की जब हरकत जब बॉर्डर पे होती है तो BSF तो बंडे एक्चुअली अपना एक एग्रेसिव पोस्चर लेके ही वहाँ जाएगी, भाई हमारे एरिया में आप क्यों ऐसा कर रहे हो, प्रोटेस्ट नोट हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने प्रोटेस्ट नोट लॉन्च कर दिया, उनको बुलाया और वो भी अभी उनके अंदर भी हड़बड़ी मची हुई है कि ये क्या हो रहा है। अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता करेगी कि साहब वो रेंजर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड पे जब हम जाके देखते हैं तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट इनके ऊपर ज़रूर है, क्योंकि इतने नज़दीक फेंसिंग के कैसे आए, वहाँ से रेंजर का जो OP टावर है वो हार्डली वहाँ से 50 मीटर पर है जहाँ पे उनका आदमी भी खड़ा है। सो ग्राउंड पे तो ये लगता है, बाकी चीज़ें डिटेल में तब आएगी जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। तो कहना कि आशीष देखिए, ग्राउंड जीरो पर साफ तौर पर लगता है कि जो पाक के नापाक मंसूबे हैं वो साफ तौर पर एक बार फिर बेनकाब हुए हैं और जिस तरह की स्थिति यहां पर बनी है आप देखिए, NCB की टीम खास तौर पर दिल्ली से पहुंची है, BSF लगातार काम कर रही है और जिस तरह से इंटरोगेशन चल रहा है दोनों तस्कर के साथ, कई बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। देखिए जिस तरह की बात लगातार आशीष आ रही थी कि बड़ा खेप जो है हिंदुस्तान पहुंचेगा, उस देखिए सवाल तो यही है, BSF और IB ने सवाल तो यही है कि जो पैडलर्स होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। अब ये दो लोग पकड़े गए हैं, ये पैडलर्स हैं या ये बड़े स्मगलर्स हैं, क्योंकि ये पैडलिंग कर रहे थे, ये यहाँ से ले जाते और एक रिस्पेक्टिव एरिया में छोड़ देते, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता। जैसे आपने खुद कहा कि बहुत बार कुछ इलाके सेफ हैवन बन जाते हैं ऐसे लोगों के लिए, वहाँ जाएंगे बच जाएंगे, फिर वहाँ से इसी तरीके की खेप आगे के लिए बढ़ा दी जाती है। तो कम से कम इनके ज़रिए जो सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, जो बड़ी मछली हैं, बड़े जाइंट हैं इस पूरे काम के, कम से कम उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूट कॉज एनालिसिस आपने नहीं किया, रूट कॉज नहीं काटा, तब तक मजा नहीं आएगा। जी बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरह की NCB के अधिकारी बातचीत कर मैं बता रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान सबसे बड़ा केंद्र है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए जो हेरोइन या मादक पदार्थ है वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में भेजे जाते हैं और हिंदुस्तान क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है, जिस तरह की चीज काफी लंबे अरसे से आप देखिए पंजाब से जो खबरें आई, जम्मू कश्मीर से जो खबरें आई, उसको लेकर के उन्होंने डिनाई नहीं किया, साफ तौर पर कहते नजर आए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पहुंचने के बाद दुनिया के बाकी देशों में भी इसकी सप्लाई होती है, इस तरह की बात भी यहां पर NCB के अधिकारी साफ तौर पर करते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा रैकेट है और NCB साफ तौर पर ये कह रही है कि ग्राउंड जीरो पर आके गृह मंत्रालय की तरफ से जो टीम पहुंची है वो साफ तौर पर यहां पहुंचकर कहीं ना कहीं तमाम मामलों पर काम कर रही है, ग्राउंड जीरो पर ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर पहली पंक्ति पर कड़ी पर कौन खड़ा है जो ये सप्लाई कर रहा है। जहां तक देखिए आपने बात की तस्कर की जो गिरफ्त में पहुंचे हैं, चाहे पुलिस की गिरफ्त में चाहे BSF ने जो कार्रवाई करते हुए तस्करों को जो गिरफ्तार किया है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ सप्लायर के तौर पर माना जा रहा है। जिस तरह की पूछताछ हुई है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राजस्थान पहली बार आए, वो 2 घंटे तक बॉर्डर पर जमे रहे, एक गाड़ी आती है, पत्थर फेंका जाता है, फिर सप्लाई दी जाती है और उन्हें आगे सिर्फ सप्लाई को पहुंचाना था, ना कि वो खुद बड़े तस्कर के तौर पर, जिस तरह की जानकारी अधिकारियों द्वारा हमको दी गई है। तो कहीं ना कहीं पंजाब से उसका पूरा कनेक्शन बताया जा रहा है, NCB ने साफ तौर पर बिल्कुल, और पंजाब को लेकर अक्सर रौनक हम लोग रिपोर्ट करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं कि कैसे कैसे बड़े नामी गिरामी चेहरे, बड़े जो वो लोग जो कहीं ना कहीं बहुत पैसे वाले हो चुके हैं, वो लोग इस तरीके के कामों में शामिल रहे हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स ये खुलासा करती रही हैं कि कैसे नशे का कारोबार चलता है, यूथ को टारगेट किया जाता है, यूथ के बीच में नशे की खेप पहुंचाई जाती है। ये जितने भी रूट्स हैं, जितने भी वायर्स हैं, इन्हें कट करना बड़ा ज़रूरी है और इन्हें कट करने के साथ उन सिंडिकेट चलाने वालों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है जो सरगना है इन तमाम मामलों के, ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो जाहिर है कि इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी, और जैसे आपने खुद कहा कि बात करते समय DIG BSF कह रहे हैं कि 270 करोड़ की खेप पकड़ी है अभी तक के उनके करियर में, एक बहुत बड़ा ये मामला है। तो जाहिर है कि 270 करोड़ की अगर हेरोइन पकड़ी जा रही है तो बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। बहुत शुक्रिया फिलहाल रौनक व्यास तमाम जानकारी के लिए।